अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आप सबकी बजिया। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम इस स्पेशल में बना रहे हैं बीफ टिक्के। तो टिक्के बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। इसमें कोई भी मैं बाज़ार का पैकेट का मसाला इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये 2 किलो जो है बोटियाँ हैं, ये कच्चा पपीता है, ये 1 पाव दही है, ये जो है 2 लार्ज साइज की प्याज मैंने फ्राई कर ली थी, इन्हें पीस लिया है। ये हरी मिर्चें हैं 10-12, और ये फ्राई किया हुआ तेल था वही है बचा हुआ। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। ये ड्राई मसाले हैं, ये मैंने 1.5 टीस्पून लहसुन लिया है, ये भर के 1 टेबल स्पून जो है मैंने मिर्चें ली हैं, ये 1.5 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है मोटा, ऐसे कूटा है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं लिया। ये गरम मसाला लिया है मैंने 1 टीस्पून भर के, ये ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, ये काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून, और ये 1/2 टीस्पून हल्दी है, और ये अदरक है। इसमें अदरक जो है लहसुन से ज़्यादा क्वांटिटी में जाती है, और इन सब चीज़ों को हम डालेंगे। दही जो है मैं थोड़ा सा ही डालूँगी, 1 पाव दही है, ये बहुत अच्छा बालाई वाला। ये लहसुन, ये कच्चा पपीता है 1, 3, ये मैंने 4 टेबल स्पून कच्चा पपीता डाला है ताकि बहुत अच्छी तरह से गल जाए, हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ये हरी मिर्चें हैं, ये 2 टेबल स्पून हरी मिर्चें डाली हैं मैंने, ये प्याज भी मैं 1/2 डालूँगी, मुझे जो है सीख के कबाब भी बनाना है तो उसमें भी डालेंगे, और ये सारा मसाला, और ये अदरक। ये देखें, मैंने मसाला बहुत अच्छी तरह से सब में मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढाँक कर फ्रिज में जो है रख देंगे। वैसे तो ओवरनाइट रखा जाता है तो ज़्यादा सही रहता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हमें अभी बनाना है तो 4-5 घंटे काफ़ी हैं, मैंने इसलिए इसमें कच्चा पपीता भी ज़्यादा लगाया है। ठीक है, तो चलें फिर मिलते हैं जब ये बिल्कुल गल जाएगा, फिर हम इसे सीखों पर ला के भुनेंगे। जनाब, अभी हमने जो है टिक्का में मसाला लगाया था, अभी हम सीख के कबाब जो है इसमें मसाला लगाना। ये 2 किलो कीमा है, ये कच्चा पपीता रखा हुआ है, ये प्याज है, ये हरी मिर्चें हैं, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये अदरक है, और ये तेल है, और ये ड्राई मसाले हैं, ये नमक है 1 टीस्पून, ये साबुत ज़ीरा लेके से मैंने पीस लिया है मोटा कूटा है, 1 टीस्पून ये है, 1 टीस्पून जो है पिसा गरम मसाला है, ये 1 टेबल स्पून धनिया है, ये 1 टीस्पून जो है कुटी हुई मिर्चें हैं, और 1/2 टीस्पून मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं, और ये थोड़ा सा नौसादर है, ये देखें ऐसा होता है, ये जो है पीपड़ी और कबाब चीनी, ये है, और इसको हम जो है पीस लेंगे सारे मसालों के साथ मिला के, क्योंकि ये साबुत हैं बाकी सब पिसी हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मसाला बिल्कुल बारीक पीस लिया है मैंने, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ये 1 टेबल स्पून लहसुन है, ये हरी मिर्चें हैं, और ये प्याज है फ्राई जो की थी हमने, ये अदरक है, और ये जनाब कच्चा पपीता है, ये 1, 2, 3। ठीक है, और ये एक प्याज लेके मैंने इसे ग्रेट करके, और इस ग्रेटर से, और इसका पानी जो है बिल्कुल निचोड़ दिया था, सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये कुकिंग ऑयल है, ये भी मिला देंगे इसमें, सब
सारे मसालों के बड़ी अच्छे से खुशबू आ रही है। अच्छा, ये दही की सिर्फ बाला ही है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये कीमा जो है चिकना था, इसमें जो है चिकनाई शामिल की गई है, वरना जो है वो कबाब जो हैं वो बिखर जाते हैं, और इससे जो है बहुत अच्छे सॉफ्ट जो है वो सीफ कबाब तैयार होंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, हम इसे ढाँक के रख देंगे शाम तक के लिए। ठीक है, चलेंगे। जी जनाब, देखें ये हमने मसाला लगा के जो रखा था जिस गोश्त पर टिक्कों का, ये सब तैयार हो गया, हमने सीखों में लगा दिया है, और हम ये बारबेक्यू जो है बना रहे हैं छत पर। जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये तैयार होने के बाद टिक्के कैसे हैं। और अगर हमने कबाबों में भी सीखों में कबाब लगा दिए, जब ये टिक्के तैयार हो जाएंगे तो फिर हम जो है कबाब जो है वो स्कोर कराएँगे चूल्हे पर। तो चलें, जब तक ये तैयार हो रहे हैं हम अपनी बाकी चीज़ें कर लेंगे। जनाब, ये हमारा जो है तैयार हो गए हैं टिक्के, ये सीख के कबाब, ये रायता है, ये चटनी, पराठे, और ये जनाब हलवा, और ये सब जो है अब ये बच्चे सब इंजॉय करेंगे। तो आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। चलें जी, अब अपने बच्चों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।